सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सबसे पहले मेरी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अंजनास किचन में। आज हम बनाएंगे व्रत की रेसिपी, जिसे हम कच्चे आलू से बनाकर तैयार करेंगे और जिसे बनाना भी बहुत आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए व्रत की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। व्रत की टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिए 5 कच्चे आलू, जिन्हें मैंने छील लिए, आधा चम्मच सेंधा नमक, 1 कटी हुई हरी मिर्च और 4 चम्मच सौंफ का आटा और 4 चम्मच कुट्टू का आटा, 3 से 4 चम्मच दही और काली मिर्च। इस रेसिपी को हम बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बनाकर तैयार करेंगे। और मैंने लिए यहाँ थोड़ी सी मूँगफली, ये सिंपल वाली मूँगफली है। सबसे पहले हम गैस पर एक पैन रखेंगे और जो हमने मूंगफली लिया है उसे अच्छे से रोस्ट करेंगे। देखिए इस तरह से। वैसे मूंगफली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर मूंगफली डालने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। देखिए अब जो मूंगफली है वो अच्छे से भुन चुकी है और उनका छिलका भी अलग हो रहा है। लीजिए मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और अब हम इसे उतार लेंगे। और अब हम मूंगफली के छिलकों को उतार देंगे। रोस्ट करने के बाद जो छिलके हैं वो जल्दी से उतर जाते हैं। और अब हम इसे छिलके उतारने के बाद मिक्सी के जार में डालकर इसको एक पाउडर के फॉर्म में तैयार करेंगे। लीजिए मैंने छिलके उतार दिए हैं और मैंने मूंगफली को जार में डालकर उसका पाउडर बना लिया है। और अब हमने जो आलू छिले थे उसे हम इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। देखिए इसी तरह से हम सारे आलुओं को ग्रेट करेंगे। लीजिए मैंने सारे आलुओं को ग्रेट कर लिया और अब हम इनका पानी निकालेंगे। आलुओं का पानी निकालने के लिए मैंने यहाँ एक कॉटन का कपड़ा लिया है और उसमें इस तरह से आलू को रखकर इस तरह से हम अच्छे से निचोड़ देंगे, जिससे कि आलू के अंदर का सारा पानी निकल जाएगा। देखिए लीजिए मैंने इस तरह से इसे निचोड़ दिया है और इसी तरह से हम सारे आलुओं को अच्छे से निचोड़ कर इनका पानी निकाल लेंगे। लीजिए अब जिन आलुओं में से मैंने पानी निकाला था उन्हें मैंने एक बड़े बर्तन में डाल दिया है और सारे आलुओं में से मैंने अब पानी को निकाल लिया है। और अब हम इसमें आधा चम्मच सेंधा नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ आधा छोटी चम्मच काली मिर्च भी ऐड कर दी है और 1 कटी हुई हरी मिर्च को भी ऐड कर दिया है। और अब हमने जो दही ली है उसे भी इसमें ऐड कर दिया है और हमने जो मूंगफली का पाउडर तैयार किया है उसे अब ऐड करेंगे। देखिए इससे इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। लीजिए मैंने यहाँ 3 चम्मच मूंगफली का पाउडर डाल दिया है और अब हम इसमें जो हमने कुट्टू का आटा लिया है उसे ऐड करेंगे। देखिए अभी मैंने यहाँ 3 चम्मच कुट्टू का आटा ऐड किया है और अब हम इसमें सौंफ का आटा ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें सिर्फ कुट्टू का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ सौंफ का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। लीजिए मैंने 3 चम्मच यहाँ सौंफ का आटा भी डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ हमने आटे का यूज़ आलुओं को अच्छे से बाइंड करने के लिए किया है और अगर हमें इसमें और आटा डालने की नीड होगी तो हम इसमें थोड़ा सा और भी आटा ऐड कर सकते हैं। देखिए जो ये आलू हैं अभी अच्छे से बाइंड नहीं हुए हैं, तो मैंने यहाँ 1 चम्मच सौंफ का आटा और 1 चम्मच कुट्टू का आटा और ऐड कर दिया है और हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए लीजिए मैंने इसका एक डो बनाकर तैयार कर दिया है। और अगर आपको फिर भी लगे कि आपका जो ये डो है अभी अच्छे से बाइंड नहीं हुआ है तो आप इसमें और भी आटा ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसे तलने के लिए गैस पर एक तवा रखेंगे और हम इन्हें डीप फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ शैलो फ्राई करेंगे। तवे पर हम देसी घी लगाएंगे क्योंकि जो व्रत का खाना है वो देसी घी में ही बनाया जाता है, इसलिए हम यहाँ देसी घी को डाल देंगे। और अब हम डो में से थोड़ा सा पोर्शन अपने हाथ पर लेंगे और उसे इस तरह से अच्छे से प्रेस करेंगे और उसकी गोल शेप बना लेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए लीजिए मैंने इस तरह से इसे तैयार कर लिया है और इधर से जो हमारा तवा है वो भी गर्म हो चुका है और अब हम इसे इस तरह से तवे पर रखेंगे। देखिए इस तरह से हम इन्हें अच्छे से सेक लेंगे
देखिए, और हम इन्हें साथ के साथ नहीं पलटेंगे, इन्हें एक साइड से थोड़ा सिकने के बाद ही हम इसे पलटेंगे और हम इन्हें दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन होने तक सेकेंगे। देखिए अब हम इसे इस तरह से पलट देंगे। देखिए इसका कलर पहले से थोड़ा चेंज हो चुका है और इसी तरह से ही हम सबको पलट लेंगे। देखिए हम इन्हें थोड़ा आराम आराम से ही पलटेंगे क्योंकि ये एक साइड से अभी कच्चा है, इसीलिए हम इसे थोड़ा आराम से ही पलटेंगे। देखिए, और हम इसे थोड़ा पतला ही बनाकर तैयार करेंगे क्योंकि अगर हम इसे थोड़ा मोटा बनाएंगे तो जो हमारे ये आलू कच्चे हैं वो अच्छे से पक नहीं पाएंगे। देखिए इस तरह से ये एक साइड से गोल्डन हो चुका है और ऐसे ही हम इसे दूसरी साइड से भी अच्छे से गोल्डन होने तक सेकेंगे। देखिए देखिए अब ये अच्छे से दोनों साइड से गोल्डन हो चुके हैं और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। जैसे कि हम व्रत में एक ही तरह का खाना खाकर थोड़ा बोर हो जाते हैं तो हम इस खाने को बनाकर खाएंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। देखिए इस तरह से लीजिए, मैंने अभी ने प्लेट में निकाल दिया है और ऐसे ही हम बाकी के सारा अपना नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। लीजिए मैंने सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर दिया है। देखिए और अब हम इसे सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हमारा ये व्रत का नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। देखिए, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।